हम इंसानों के दिमाग में दिन रात जितना ध्यान चलता रहता है, वह निरंतर चलने वाला ध्यान ही हमारे भविष्य की रचना करता है। भूख के प्रति हम दिन रात सोचते रहते हैं, हम भी अपने फ्यूचर में उसी अवस्था को या कहें उसी योनि को प्राप्त करते हैं। हम देखें, अनेकों लोग हैं जो निरंतर अपने से विपरीत लिंगी के बारे में सोचते रहते हैं, विपरीत लिंग यानी ऑपोजिट सेक्स वाले। जैसे स्त्री है तो वो निरंतर पुरुषों का ही ख्याल करती रहती है, पुरुषों के ही विचार उनके मन मस्तिष्क में लगातार चलते रहते हैं, और फिर वैसे ही वीडियोस भी वो देखते हैं, वैसे ही बातें भी वे करते हैं। स्त्रियां पुरुषों का ध्यान कर रही है और पुरुष अपने मन मस्तिष्क में स्त्रियों का विचार करते चले जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति जो निरंतर चल रहा ध्यान है, इसमें उनका ये आकर्षण विकर्षण इतना गहरा हो जाता है कि वे स्वयं भी मरकर उसी लिंग में पहुंच जाते हैं। यानी जिसका ध्यान उनके भीतर निरंतर चल रहा है, वे स्वयं भी अपने भविष्य में उसी लिंग में पहुंच जाते हैं, उसी लिंग को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा विचित्र है यह संसार। जानवर विकसित होकर के इंसान बन जाता है और इंसान पतित होकर के जानवर भी बन जाता है। इंसान कभी कभी विकसित होकर के देवता बन जाता है और देवता कभी पतित होकर के पशु योनि में, पृथ्वी पानी वनस्पति काय के जीव रूप में, और कभी मनुष्य रूप में आ जाते हैं, मनुष्य योनि में उत्पन्न हो जाते हैं। यह सारा सृष्टि चक्र आसक्ति की वजह से चल रहा है और हमारे दिमाग में जो संकल्प निरंतर चलते चले जा रहे हैं, हम उसी उसी स्थान पर पहुंचते भी चले जा रहे हैं। संकल्पों में आई चीजें घटनाओं के रूप में हमारे सामने आती अवश्य है, कभी भी आए लेकिन जरूर आती है, जैसे कि नंद मणिहार के जीवन में आई। सुन रहे थे हम पिछले प्रवचन में नंद मणिहार के जीवन की कथा, कि किस तरह से उसने बहुत ही सुंदर बगीचा लगवाया था और उसमें एक बहुत सुंदर जलाशय का निर्माण कराया, लेकिन वह निरंतर उसी जलाशय में उसी सुंदर बगीचे के ध्यान में रत रहता था। उसके सारे संकल्प बस निरंतर उसी दिशा में प्रवाहित रहते थे और इसी वजह से वह मर करके उसी स्थान को प्राप्त कर लेता है। इंसान पतित होकर के जानवर बन जाता है। नंद मणिहार उसी जलाशय में मेंढक के रूप में उत्पन्न हो गया। यह नंद मणिहार का उदाहरण बहुत ही ज्ञानवर्धक है। उस एग्जाम्पल से हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है। इस सृष्टि के बहुत अमूल्य सूत्र हमें यह नंद मणिहार के जीवन का प्रसंग सिखा रहा है। बहुत ज्ञान की बातें हमें इस प्रसंग से समझ में आने की है कि नंद मणिहार किस तरह से इतना दान पुण्य का कार्य करने के पश्चात मर करके उसी जलाशय में मेंढक के रूप में उत्पन्न हो जाता है। वह उसी जलाशय में मेंढक के रूप में अपना जीवन बिता रहा है और एक समय ऐसा आता है कि उस जलाशय के किनारे पर कुछ लोग आकर के बैठते हैं और वे लोग कहीं से लौटे हैं और वहां आकर के उस जलाशय के निकट बैठ करके परस्पर बातचीत कर रहे हैं। वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि वे अभी अभी समण भगवान महावीर स्वामी के समवशरण से आ रहे हैं, भगवान महावीर की देशना सुनकर के आ रहे हैं। तो वे उस जलाशय पर रुके हैं और वहां बैठकर परस्पर बातचीत कर रहे हैं और अपनी बातचीत में यही बता रहे हैं कि आज समण भगवान महावीर हमारे नगर के बाहर उद्यान में आकर के विराजमान हुए हैं। आज भगवान ने अपनी देशना में इस तत्व का ज्ञान दिया, आज भगवान ने अपनी वाणी में ये फरमाया, आज भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, आज भगवान ने यह बात बताई, वो बात बताई। उस तरह से परस्पर उनकी चर्चा चल रही है, वार्तालाप चल रहा है और उनकी वो बातें जलाशय स्थित मेंढक भी सुन रहा है। हम देखे, हम सब भी जब भी किसी से मिलते हैं और मिलकर के वापस लौटते हैं तो हम आपस में बातचीत तो करते ही हैं, मिलने जाते हैं तब भी बातें करते हैं और मिलकर के वापस लौटते हैं तब भी उस घटना की, उन बातों की पुनः चर्चा करते हैं। हमारी उन बातों में कितनी बातें सार्थक होती है और कितनी निरर्थक होती है, व्यर्थ होती है। हम तो अधिकांशतया व्यर्थ बातें ही करते हैं, इधर उधर की, देरी बेरी की, यहाँ की वहां की, इस तरह की निरर्थक बातें ही हम ज्यादातर कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी बजाय हम सार्थक बात करें,
हम भी प्रवचन सुनते हैं, लेकिन क्या हम प्रवचन सुनकर आने के पश्चात जो कुछ हमने सुना, जो ज्ञान वाणी हमें समझ में आई, क्या हम उस ज्ञान वाणी को दूसरों के साथ भी साझा करते हैं? अपनी परस्पर की बातचीत में हमें भी उस वाणी को, उस प्रवचन को जो हमने सुना है, उसे शेयर करना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। और जो कुछ भी ज्ञान हमने कहीं से भी पढ़ा है, सुना है, देखा है, समझा है, तो हम अपनी बातों में, अपनी चर्चाओं में उस ज्ञान को स्थान दें, क्योंकि हमारे द्वारा की गई वह ज्ञान चर्चा न जाने कब किसके कानों में पड़ जाए और वह ज्ञान वाणी कब किसका कल्याण कर दे, कब उस वाणी को सुन करके किसका उद्धार हो जाए, हमें नहीं पता, हम नहीं समझ सकते। जैसे वे जलाशय के किनारे बैठे हुए लोग भगवान महावीर की वाणी की चर्चा कर रहे हैं और जलाशय में रहा हुआ वह मेंढक उन लोगों की बातें सुन रहा है, और वह मेंढक संगी पंचेंद्रिय है। संगी पंचेंद्रिय यानी उसके पास में पांचों इंद्रियां हैं, उसके पास में कान है तो वह सुन भी सकता है, और वह संगी है, मन सहित प्राणी है, तो उसके पास में मन है, अतः वह उन बातों को सुन करके समझ भी सकता है। तो वह मेंढक उन सारी भगवान की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, और सुनते 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 पल के लिए अचानक वो फ्लैशबैक में चला जाता है और वह पीछे पीछे जाता 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 अपने पास्ट में पहुंच जाता है और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब होता है अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आना। जाति स्मरण ज्ञान यानी हमें अपने पास्ट लाइफ का ज्ञान हो जाए, और जब ये जाति स्मरण ज्ञान होता है तो उस व्यक्ति को अपने पूरे पास्ट लाइफ की सारी घटनाएं पिक्चर की भांति अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो जैसे हमारे सामने वे सारे चित्र आते जाते हैं एक के बाद में एक करके, उसी तरीके से पास्ट लाइफ की नॉलेज जब होती है उस ज्ञान के समय में, हमारे सामने भी हमारे पूरे अतीत की झांकी चलती है, पूरे चित्र, वे सारे इमेजेस हमारे सामने आने लगते हैं और हम उन सारी घटनाओं को पुनः जी रहे होते हैं। तो वे सारे चित्र, वे सारी घटनाएं, अपना पूरा पास्ट उस मेंढक के सामने आ जाता है, उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, और तब उसे ये समझ में आता है कि मैं जिस जलाशय में रहता हूँ, इस जलाशय का निर्माण मैंने ही अपने पिछले जन्म में करवाया था, मैं ही वह नंद मणिहार सेठ था और मैं ही किसी समय साधु मुनिराज की संगति में आया था, मेरे भीतर में धर्म की भावनाएं जागी थी और तब मैंने व्रत नियम लिए थे, मैंने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए थे, मैंने त्याग तप भी किया था, मैंने दान पुण्य के कार्य भी किए थे, मैंने दया इत्यादि की सेवा के कार्य किए, मैंने सभी लोगों को साता उपजे, इस भावना से मैंने ये सुंदर जलाशय का निर्माण कराया, बगीचा लगवाया, ऐसे सेवा के, ऐसे पुण्य के कार्य मैंने किए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मैं अपने लिए गए उन सभी व्रत नियमों को, सारी धर्म क्रियाओं को, त्याग तप को भूल गया और उस जलाशय में जो मैंने निर्माण करवाया जिसका, उसी में इतना आसक्त हो गया, उसमें इतना मोहित हो गया, इतना मूर्छित हो गया कि मैं मर करके यहीं पर मेंढक के रूप में उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही उसे ये बोध आया, जैसे ही उसे ये समझ जागी उसके भीतर में, तुरंत वह प्रतिक्रमण करने लगा। हाँ, मेंढक ने अपना प्रतिक्रमण किया उसी समय में। मेंढक भी प्रतिक्रमण कर सकता है। हम लोग सोचेंगे कि सिर्फ हम इंसान ही प्रतिक्रमण कर सकते हैं और इंसानों में भी सिर्फ हम जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर कुछ वे ही लोग जिन्हें वे प्रतिक्रमण के पाठ याद होते हैं, बस वे ही प्रतिक्रमण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी समझ की शुद्धि है, गलती है कि हमें लगता है कि कुछ पाठों को याद कर लेने से प्रतिक्रमण होता है। ऐसा नहीं है, प्रतिक्रमण पूर्णतः मानसिक प्रक्रिया है, यानी प्रतिक्रमण इज कम्प्लीटली अ मेंटल प्रोसेस, और यह प्रक्रिया कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी प्राणी कर सकता है जिसके पास में मन है और जिसके भीतर ये भावना जागी है, जिसे ये बोध जागृत हो जाता है, जिसे समझ आ जाती है, वह हर प्राणी, मन सहित प्राणी अपना प्रतिक्रमण कर सकता है। क्योंकि प्रतिक्रमण में हमें क्या करना होता है, प्रतिक्रमण में पाठ आए ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रतिक्रमण में व्यक्ति अपनी आंख के साथ में बैठता है और जैसे हम कभी कभी मूवीज में स्टोरी को फ्लैशबैक में चलते हुए देखते हैं, वो स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी अपने ही पास्ट को देखते हैं प्रतिक्रमण के अंदर। तो प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति जो
सारी दुनिया के सारे प्रपंचों में इन्वॉल्व है, यानी हम सभी वर्ल्डली अफेयर्स में निरंतर लगे हुए हैं, कभी कोई कार्य, कभी कोई कार्य, कभी कोई एंगेजमेंट हमारा, कभी कोई इन्वॉल्वमेंट। तो उन सभी सांसारिक प्रपंचों से, सारे क्रियाकलापों से अपने संबंध को विच्छेद करते हैं, अपना उनसे कनेक्शन कट करते हैं, और फिर उसके बाद में ये संकल्प लेते हैं कि अब मैं कुछ देर के लिए मात्र अपने आप के साथ में बैठूंगा, यानी कोई दुनिया की बातचीत नहीं, कोई दूसरा एंगेजमेंट नहीं, कोई कहीं और मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ मैं अपने आप के साथ में बैठूंगा। और फिर अपने मन को हमें ये निर्देश देना है कि मुझे अपने पास्ट को देखना है, मुझे अपने बैक में जाना है, मुझे अपने अतीत को देखना है, और फिर उस अतीत को देखना है, उस अतीत को याद करना है, अपने ही द्वारा की गई उन सारी घटनाओं को रिमाइंड करना है, अपने मन के स्क्रीन पर हमें वे सारी घटनाओं को पुनः जीना है, रिमाइंड करना है और रीलिव करना है, यानी पुनः जीना है। लेकिन दिन भर में जो वो आचरण हमने किए, जो घटनाएं हमसे घटित हुई, उनमें तो हम उन घटनाओं में आसक्त थे, रत थे, हम उनमें राग द्वेष के सहित इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन अब जब हम वापस उन घटनाओं को याद करेंगे, उन्हें पुनः जिएंगे, तो बस एक ही सजगता रहे कि अब हमें उन घटनाओं को पुनः जीते हुए उसके साथ में वापस से जुड़ना नहीं, यानी अपने पास्ट को रिलीव करना है प्रतिक्रमण में बिना जुड़े हुए, बिना अटैच्ड हुए। ये है प्रतिक्रमण की साधना। तो इस प्रतिक्रमण में जब एक व्यक्ति करने के लिए बैठता है तो ये संकल्प करता है कि मुझे अपने पूरे पास्ट को देखना है कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या किया, क्या किया यानी फिजिकली मेरे एक्शंस कैसे थे, मेरे क्रियाकलाप क्या क्या हुए, मेरे साथ में कैसी कैसी घटनाएं आज दिन भर में घटित हुई, क्या क्या इवेंट हुए, फिर मैंने क्या क्या बोला, कितने लोगों के साथ में मेरे वार्तालाप हुए, उनमें मैंने क्या क्या बातें बोली यानी वर्बली मेरे से क्या क्या हुआ, फिजिकली क्या एक्शंस हुए, वाणी से हमने क्या क्या किया, और फिर मेंटली हमने क्या क्या किया यानी मानसिक तौर पर हमने क्या क्या सोचा, और फिर हमने किसके प्रति क्या क्या भाव किए, हमारे मन में क्या चल रहा था, ये सारा मन से, वाणी से और काया से, हमारे तीनों योगों से हमसे क्या क्या हुआ, सबको देखना, पुनः अपने पास्ट को याद करना और उसे बिना जुड़े हुए निष्पक्ष रूप से रीलिव करना, पुनः जीना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो ये प्रतिक्रमण इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कभी अपनी शादी का एल्बम वापस से देखने बैठो, या फिर अपने ही शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग वापस से देखो, तो जैसे जैसे वो वीडियो हमारे सामने चलती है, वो स्क्रीन पर वो सारी चीजें चल रही होती है, तो कैसे हमें अपना पास्ट याद आता है, हमें वो अपने विवाह का पूरा समय हमारी आंखों के सामने तैर जाता है, वो सारे इवेंट, वो सारी बातें, वो सारा पास्ट हमें वापस से रिलीव होता है, हमारी मेमोरी में वो सब कुछ लाइव हो जाती है, वो मेमोरीज वो सजीव हो जाती है, तो हमें सब कुछ याद आने लगता है। हमें ये भी ख्याल आता है कि देखो उस समय में पूरा माहौल कितना खुशनुमा था, सब कितने खुश थे मेरी शादी के समय में, मेरे दोस्त लोग भी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन समय में ऐसे हंसी खुशी के माहौल में भी मेरे भीतर में तनाव चल रहा था, मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई थी, या फिर मुझे बहुत दुख था, मेरे मन में एक दुख चल रहा था कि काश ऐसे हंसी खुशी के मौके पर आज मेरी माँ भी उपस्थित होती, आज मेरी माँ मेरे साथ में नहीं है, ये दुख उस समय मेरे मन में चल रहा था, या इसी तरह का कोई भी दुख या कोई भी चिंता या कोई भी टेंशन मेरे अंदर चल रही थी, तो वो सारी चीजें हमें अपनी वो सारी घटनाएं देखते समय वापस से याद आती है, हम पुनः जीते हैं उन घटनाओं को। ठीक इसी तरह से प्रतिक्रमण में भी हम अपने पास्ट जीवन को, जो कुछ भी हमसे हुआ, उन सबको हम पुनः है जीते, इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो जब हम संवत्सरी पर प्रतिक्रमण की साधना करने लगते हैं, तो हमें संवत्सरी प्रतिक्रमण में यही याद करना होता है कि हमने अपने पूरे पिछले एक वर्ष में क्या क्या किया, कैसी कैसी घटनाएं हमारे साथ में घटित हुई थी। अब आप तुरंत पूछ बैठेंगे कि पिछले एक वर्ष में हमने क्या क्या किया, ये सब क्या हमें याद आ जाएगा, इतना आसान है सब कुछ याद आना। हाँ, मुश्किल है, कठिन होगा उनके लिए जिन्होंने प्रतिदिन इस तरह का अभ्यास नहीं किया है, जिन्होंने हर दिन ये प्रतिक्रमण साधना नहीं की है, अथवा जिन्होंने 15 दिनों में भी नहीं की, या जिन्होंने 4 महीने में भी नहीं की, यानी जिन्होंने दिवसीय प्रतिक्रमण नहीं किया, पाक्षिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण नहीं किया और सीधा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करने बैठे हैं। अनेकों लोग हैं जो कभी भी प्रतिक्रमण नहीं करते, सिर्फ साल में एक दिन संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण के लिए आते हैं। तो उन लोगों को इस तरह से प्रतिक्रमण करना, अपने पास की सारी घटनाओं को रिमाइंड करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए समण भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रतिक्रमण को आवश्यक कहा है। उन्होंने बताया कि ये प्रतिक्रमण की साधना
आवश्यक है, इसे नाम ही आवश्यक सूत्र दिया गया है। और उन्होंने प्रतिक्रमण के अभ्यास पर बहुत बल दिया। भगवान की वाणी हमें ये बताती है, वे कहते हैं कि एक साधक को, चाहे वह साधु हो, श्रमण हो, श्रमणी हो, चाहे वह गृहस्थ श्रावक हो या श्राविका हो, सभी को प्रतिक्रमण उभय काल में करना आवश्यक है। उभय काल यानी दोनों समय में। दोनों समय कैसे है कि हर दिन के 24 घंटे को हम दो भागों में बांटे, तो रात्रि के समय में जो कुछ भी हमसे पाप दोष लगे उसका प्रतिक्रमण सुबह उठते ही हो। इसे हमारे यहाँ रायसी प्रतिक्रमण कहा जाता है, यानी रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण करना है। और फिर दिन भर में जो कुछ हमने किया उन सबका प्रतिक्रमण हमें शाम के समय में करना होता है, जिसे देवसी प्रतिक्रमण कहा जाता है। ये सबको करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये साधु साध्वी भगवंत ही ऐसा प्रतिक्रमण करते हैं, नहीं, हर गृहस्थ व्यक्ति को भी ये प्रतिक्रमण करना भगवान ने आवश्यक बताया है। ये अलग बात है कि हम लोग करते नहीं है, लेकिन इस तरह से एक साधक प्रतिदिन रात्रिकालीन प्रतिक्रमण भी करे, यानी रात नींद में हमारे से कौन कौन से पाप दोष का सेवन हुआ, कौन सी गलतियां हमसे रात्रि के समय में हुई। अब हम कहेंगे रात को नींद में केवल क्या गलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रात्रि के समय में हमारा ये ऊपरी मन तो सो जाता है, जिसे हम जानते हैं वह मन तो सो जाता है, लेकिन इस मन के कई सारे स्तर हैं, तो वे जो मन के गहरे स्तर है वो सभी जागृत रहते हैं। तो वो मन के भीतरी तल बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उनके भीतर कई सारी इच्छाएं, अधूरी अभिलाषाएं बनप रही होती है, बहुत कुछ उठा पटक हमारे रात्रि नींद के समय में भी चल रही होती है। तो उन सभी विचारों में हम कई तरह के संकल्प विकल्प करते हैं, तो कई तरह के पाप दोषों का सेवन हमसे होता है। तो उन सबको हमें सुबह उठ करके रायसी प्रतिक्रमण में देखना होता है, याद करना होता है और उनको विसर्जित करना होता है। ठीक ऐसे ही शाम के समय में भी साधक पुनः बैठे, अपने आप के साथ बैठे और फिर ये देखे कि सुबह से लेकर शाम तक आज मैंने क्या क्या किया, दिन भर में मेरे साथ में कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई, मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या बोला, मैंने क्या क्या सोचा और मैंने क्या क्या फील किया, मेरे भीतर से कैसे भाव उत्पन्न हुए, मेरे भीतर से कौन से और कैसे संकल्प प्रसारित हुए, यानी मैंने कौन से संकल्प किए। अपने ही संकल्पों का प्रतिलेखन करना प्रतिक्रमण कहलाता है, यानी हमारे भीतर क्या चल रहा था उन सब का लेखा जोखा करना, यही प्रतिक्रमण की साधना है। और यह प्रतिक्रमण साधना, इसके लिए किसी पाठ को याद करने की, रटने की या पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा प्रतिक्रमण हर एक व्यक्ति कर सकता है, हम सब के पास में मन है, हम सभी यह प्रतिक्रमण कर सकते हैं। और जब तक हम ये प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तब तक हम अपने अतीत के दोषों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे अतीत की बुराइयों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें इस तरह का प्रतिक्रमण अवश्य करना होगा। जब तक हम ये प्रतिक्रमण नहीं करते तब तक हम फिर उसी अतीत को ही भोगते चले जाते हैं, और प्रतिक्रमण नहीं करने के कारण ही हमसे फिर वही गलतियां होती चली जाती है। हम सभी लोगों में से कई लोगों को अपने आप से ये शिकायत होती है, कई लोग हमें कहते भी हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, गुरुवाणी को सुनता हूँ, ज्ञान की बातें भी पढ़ता हूँ, बहुत कुछ मुझे जानकारी है, ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद जब भीतर से आवेग उठते हैं, जब कषाय आता है तो उसे रोक नहीं पाता, फिर अपने जीवन में वही गलतियां करता चला जाता है ना। आप लोगों को भी अपने आप से एक कंप्लेन रहती है कि मैं अपने जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उससे छूट नहीं पाता, उससे मुक्त नहीं हो पाता, जो मेरा हैबिचुअल एक पैटर्न बन गया है उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोग ये अपने जीवन में महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में कई सारी बाधाएं आ रही है, फाइनेंशियल लेवल पर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, आर्थिक रूप से मेरी तरक्की नहीं हो रही, या फिर मेरा रिश्ता जो है सब लोगों के साथ में वो भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जो मैं अपने भीतर जो मेरी इमोशनल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी ठीक ठाक नहीं चल रही है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हो रही है, सब चीज बहुत बिखरी बिखरी अस्त व्यस्त है। तो ऐसा क्यों है? जब एक साधक प्रतिक्रमण करेगा, अपनी गलतियों को देखेगा, तभी तो उसे ये समझ में आएगा कि मेरे भीतर में कुछ ऐसी बातें हैं, मैं कुछ इस तरीके से बिहेव करता हूँ कि जो मेरे आसपास रहने वाले लोगों को पसंद नहीं आता है, इस वजह से मेरे रिश्ते गड़बड़ चल रहे हैं, और मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ कि जो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काम नहीं आता बल्कि वो मुझे मेरी ग्रोथ में बाधक बनता है। तो अपने प्रतिक्रमण करने से ही हमें पता चलेगा कि मेरी वे कौन सी आदतें हैं, मेरी कौन सी वो स्टाइल है, मेरे में कौन से बिहेवियरल पैटर्न्स है जिनकी वजह से मेरी लाइफ ग्रोथ की तरफ नहीं जा करके
डिक्लाइन हो रही है, पतन की तरफ बढ़ रही है, तो अपनी सारी गलतियों का हमें तभी पता लगेगा जब हम अपना प्रतिक्रमण करेंगे। और जब हम प्रतिक्रमण करेंगे तभी हम अपने उन संकल्पों से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा वही संकल्प हमारे चलते रहेंगे, वही स्टाइल में हम कार्य करते रहेंगे, वही सब तरीके हमारे चलते रहेंगे, वही आदतन व्यवहार हमारा निरंतर जारी रहेगा और फिर वैसा ही आउटकम भी आता रहेगा, यानी परिणाम भी वैसा ही हम पाते रहेंगे। तो इसीलिए हम प्रतिक्रमण ही एक ऐसी साधना है जिससे अपने पुराने सारे संकल्पों को अपने भीतर से डिलीट कर सकते हैं, यानी अपने भीतर से दूर कर सकते हैं। जाति स्मरण ज्ञान प्रतिक्रमण की साधना से ही उत्पन्न होता है। आज तक जिस भी साधक को जाति स्मरण ज्ञान हुआ है वह प्रतिक्रमण के क्षणों में ही उत्पन्न हुआ है। हम देखें हमारे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण आते हैं। इसी ज्ञाता धर्म तत्वांग सूत्र में ही मेघ कुमार मुनि का उदाहरण आता है। भगवान ने उन्हें अपना अतीत याद दिलाया और तब वे प्रतिक्रमण की प्रोसेस में गए। वो अपने भीतर अपने अतीत में झांकते चले गए, दिखते चले गए और तब उन्हें समझ में आया कि मैं पूर्व भव में हाथी था और हाथी के रूप में मैंने जो जीवों की अनुकंपा की थी उसके फलस्वरूप ही मैं राजकुमार मेघ के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। इस तरह से प्रतिक्रमण करते करते उन्हें वह जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। इसी तरह हम देखें भगवान ने चंड कौशिक नाग को भी अपना पूर्व भव याद दिलाया। प्रतिक्रमण में वह नाग गया और तब उसे भी अपना पूर्व भव दिखाई दिया, जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। एक नहीं अनेकों उदाहरण है जब एक साधक जब इस प्रतिक्रमण के इस मेंटल प्रोसेस से गुजरता है उस समय में ही उसे ये जाति स्मरण ज्ञान उपलब्ध हो पाता है। लेकिन आजकल जो प्रथा चल पड़ी है प्रतिक्रमण के नाम से, वह प्रतिक्रमण हमें जाति स्मरण तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह जो हम कर रहे हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि आप सभी लोग 8 दिनों के लिए पर्यूषण में सिर्फ प्रतिक्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो प्रतिक्रमण? सिर्फ क्रियात्मक रूप से, यानी सिर्फ एक्शंस होते हैं प्रतिक्रमण के, सिर्फ द्रव्यात्मक क्रिया होती है, लेकिन हम उसके शुद्ध भावों में नहीं जा पाते। हम देखते हैं कि लोग आते हैं और एक व्यक्ति होता है जो प्रतिक्रमण के वे पाठ बोल रहा होता है और वे पाठ अनेकों लोगों को तो समझ में भी नहीं आता, उनके मीनिंग्स नहीं पता चलते क्योंकि वो हिंदी भाषा में नहीं होते, वो प्राकृत लैंग्वेज में होते हैं जो लैंग्वेज आज हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है। तो कईयों को समझ आते हैं लेकिन अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आते वे पाठ, लेकिन बस उन्हें ये पता है कि हमें बस लास्ट में 10 मिच्छामि दुक्कड़म बोल देना है और जैसा वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है हमें भी वैसे ही एक्शन कर लेने हैं और हो गया हमारा प्रतिक्रमण। ऐसे प्रतिक्रमण नहीं होता है, ये सिर्फ प्रतिक्रमण की क्रिया होती है, लेकिन शुद्ध प्रतिक्रमण तो तभी हो पाएगा जब हम स्वयं अपने अतीत में जाएंगे। हर व्यक्ति अपने अतीत में जाए तभी उसे पता लगेगा। और जब हम इस संवत्सरी में आज प्रतिक्रमण करने के लिए बैठेंगे शाम को, तो हम स्वयं ध्यान के समय में अपने अतीत में जाए, अपने पास्ट में जाके और ये देखने का प्रयास करें कि मैंने पिछले पूरे एक साल में क्या क्या किया। जो मोटी मोटी मुख्य मुख्य घटनाएं हमारे साथ में घटी वो हमें याद आएगी। हम अपने मन को निर्देश देवें कि याद आओ, मुझे वे सारी बातें याद आओ। अथवा आप स्वयं अपने आप से याद करने का प्रयत्न करो कि मैंने इस पूरे वर्ष भर में किसके साथ में मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, किसके साथ में मेरा कलह क्लेश हुआ, किसके साथ में मेरी अनबन हुई, वैर विरोध हुआ, तकरार हुई, तू मैं हुई। आपको वे सारी बड़ी बड़ी घटनाएं याद आने लगेगी। किसके साथ में आपने अबोला कर लिया, किसके प्रति आपके मन में नाराजगियां बल रही है, किसके प्रति आपके मन में बहुत सारी शिकायतें चल रही है, किसको आपने गुस्से में आकर के ऐसी बातें बोल दी कि जिससे वो व्यक्ति बहुत आहत हुआ, उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची, हर्ट हुआ। कब कब आपके भीतर मान आया, कैसे आपके मन में लोभ आता है कि सामने वाले की संपत्ति भी मैं हड़प लूं या वो मेरे अधिकार में आ जाए, अपने आप का विस्तार करता रहूं, ऐसे परिग्रह ऐसे लोभ की भावनाएं कब कब मेरे भीतर आई। याद करोगे तो सब कुछ याद आएगा। और इस तरह से अपने संकल्पों का जब हमें बोध होगा, अपने भीतर में ही हमें जाना होगा, तो ये प्रतिक्रमण साधना सबकी अपनी व्यक्तिगत साधना होगी। यानी ध्यान में व्यक्ति को स्वयं ही अपने पूरे साल भर में उसके द्वारा क्या क्या हुआ उसे स्वयं ही खंगालना है, स्वयं ही देखना है, स्वयं ही याद करना है। हम सब का अपना अपना निजी संसार होता है और हम सब अपने इस निजी संसार के अंदर, मेंटल संसार के अंदर अनेकों लोगों के लिए अनेक तरह के संकल्प प्रसारित करते हैं। यानी कईयों के प्रति हमारे मन में रागात्मक संकल्प होते हैं, यानी वो हमें बहुत पसंद होते हैं, हमें वो बड़े अच्छे लगते हैं। और कईयों के प्रति हमारे मन में द्वेष के संकल्प होते हैं। तो ये राग और द्वेष की गांठें कहाँ कहाँ हमारे मन में पड़ी हुई है, बनाई है हमने, उन सबको हमें याद करना होता है। अपने संकल्पों का जब हमें बोध होने लगता है
तो उसी के साथ में एक और बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटती है कि हमें तभी अपने फ्यूचर का भी ज्ञान होने लगता है। जब अपने संकल्पों का बोध हमें होने लगेगा, तब हमें ये भी पता लगने लगेगा कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, यानी हम अब आगे कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम कहाँ जा रहे हैं। इसका पता भी हमें तभी लगेगा जब हम अपने अतीत में झांकेंगे। जब हम अपने पास्ट में जाएंगे तभी तो हमें अपनी भूलों का ज्ञान होगा। हाँ, अपनी भूलों का ज्ञान होने के लिए भी हमें अपने अतीत में जाना होगा। वह नंद मणिहार सेठ जो अब वर्तमान रूप में मेंढक बना है, वह अपने अतीत में गया और तब उसे अपने पास्ट के सारे संकल्पों का ज्ञान हुआ। तो हम जब अतीत में जाते हैं तभी हमें अपनी भूलों का पता चलता है, तभी उसे भी रिकॉग्निशन हुआ कि हाँ, मैंने पास्ट में क्या किया जिसकी वजह से मुझे आज मेंढक के रूप में जन्म लेना पड़ा। जैसे एक व्यापारी दिन भर व्यापार करता है, अपना बिजनेस कर रहा है और शाम के समय में वह वापस से अपना अकाउंट मिलाता है और तब वो सारे ट्रांजेक्शंस मिलाता है, ट्रांजेक्शंस को देखता है कि दिन भर में उसके क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुए, उन सबको वह चेक करता है। और जब वह अपना अकाउंट मिलाता है तो उस समय में उसे ये पता लगता है कि कहाँ पर गलती हुई, क्यों मेरा बैलेंस शीट मिल नहीं पा रही है, क्यों कैश इन हैंड अलग बता रहा है और इन बुक्स में अलग बताया जा रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो अपने अकाउंट को, अपने बही खातों को वापस से लेखा जोखा करेगा, उनको वापस लेकर के बैठेगा, सारे ट्रांजेक्शन को याद करेगा, तभी तो उसे अपनी गलती समझ में आएगी। हाँ, वह जाता है वापस अपने अतीत में, जाता है, मेंटल प्रोसेस करता है ना। आप सभी व्यापारी हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, इस बात को अपने से रिलेट करके अनुभव कर पाओगे कि हम पुनः याद करते हैं, रिकंसाइल करते हैं कि हाँ, ये हुआ, वो हुआ और इस तरीके से ये सारी घटनाएं घटी और सब समझ में आता है कि अच्छा, भूल यहाँ पर हुई। तो ये सारी जो रिमाइंड हम करते हैं उन सारी घटनाओं को, बस इसी तरीके से प्रतिक्रमण में भी हमें उन सारी घटनाओं को रिमाइंड करना होता है, तभी हमें अपनी गलतियों का पता चलता है। हम सब लोगों के जीवन में बहुत सारी गलतियां हर दिन हो रही है, हमसे निरंतर भूलें होती जा रही है, कई सारी गलतियां हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, दूसरे लोगों को पता चलता है। हमारे साथ रहने वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम बहुत क्रोधी हो, हम कहते हैं हमने कहां गुस्सा किया, हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, लेकिन सामने वाला बताता है। अब हमें सामने कोई हमें बताए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रतिक्रमण हमारा गुरु है। प्रतिक्रमण वह सर्च लाइट है जो हमें अपने अंदर ले जानी है और उस प्रतिक्रमण की रोशनी में अपने आप को देखना है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, और तब वह प्रतिक्रमण खुद हमारा निगहबान बन जाएगा, वह प्रतिक्रमण हमें हमारी राह प्रशस्त करेगा। हम बात कर रहे थे नंद मणिहार के जीव की, जो इस समय वर्तमान में मेंढक के रूप में है, वह अपना प्रतिक्रमण करता है और प्रतिक्रमण की उस सर्च लाइट में अपने अतीत में झांकता है और तब उसे पता लगता है कि अरे, मैं इस जलाशय का मेंढक इसलिए बना क्योंकि मेरा पूरा चित्त दिन रात इसी जलाशय में लगा रहता था। और इंसान का जहाँ चित्त जाता है वहीं इंसान की चेतना भी पहुंच जाती है, यानी हमारे दिमाग में जिसका ध्यान चलता है, जो हमारे चित्त में निरंतर बसा रहता है, वहीं पर हम भी पहुंच जाते हैं। अब मेंढक तो बन गया, चेतना तो उसकी वहां पहुंच गई तिर्यंच योनि में, लेकिन अब क्या। उन लोगों की बातें सुनते हुए उस मेंढक ने, जो उसे ज्ञान हुआ, जो उसे भगवान की वाणी पुनः स्मरण हुई है, उससे उसे यह भी बोध प्राप्त हो गया कि अब भी मैं, जो मैंने पूर्व काल में व्रत लिए थे, उन व्रतों को जिनको मैं अब भुला चुका हूँ, बिसरा चुका हूँ, उन व्रतों को मैं अब पुनः ले सकता हूँ, यानी अब भी मैं उन व्रतों में पुनः उपस्थित हो सकता हूँ। देखो अब फिर से कैसे उसके संकल्प बदल रहे हैं। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, बस यही प्रतिक्रमण का भी सारा आशय है कि जो इंसान दिन भर में या अपने पूरे जीवन काल में जो भी अतिक्रमण कर बैठा है, जो भी भूलें, जो भी गलतियां हम कर बैठे हैं, जो भी पाप दोष का सेवन हमसे हो गया है, हम उन सब को जान समझकर पुनः उनसे वापस लौट जाएं, हमारी रिटर्निंग हो जाए अपने आत्म स्वभाव के प्रति। इसीलिए हमने ये पूरी प्रतिक्रमण की प्रक्रिया को समझा कि कैसे हमें अपने सारे जीवन की घटनाओं को पुनः याद करना होता है, पुनः स्मरण करना होता है, रिमाइंड करना होता है,
और तब वे सारी घटनाओं को जब हम बिना जुड़े पुनः जीते हैं, रीलिव करते हैं, तो इस तरह से हमारा प्रतिक्रमण होता है। अब मेंढक का संकल्प बदल गया, अब वह अपनी भूलों को सुधारने का संकल्प कर रहा है और संकल्प ऐसे बदल रहे हैं और ऐसे संकल्प बदलने के साथ ही उसके जीवन की दिशा भी बदल रही है। अब वह संकल्प कर लेता है कि मैं आज अभी इसी क्षण से अपने पूर्व ग्रहित व्रतों को पुनः ग्रहण करता हूँ और इस बीच के काल में जो भी मेरा व्रत विहीन आचरण हुआ है उस सभी को मैं अपनी आत्मा से दूर करता हूँ, अपने आप से अलग हटा देता हूँ। उन सब का मैंने अवलोकन किया है, उन सब को मैं अपने आप से दूर करने का भाव करता हूँ। देखो, एक पशु, एक मेंढक का ये संकल्प बदल जाता है तो हम तो इंसान हैं। अगर आदमी के भी संकल्प बदल जाए तो उसकी पूरी जीवन की दिशा बदल सकती है। हम इंसानों के भीतर के जो संकल्प निरंतर हम प्रसारित कर रहे हैं, अगर हम उन संकल्पों को बदल डालें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और इन संकल्पों को बदलने के लिए ही ये संवत्सरी पर्व आता है। संवत्सरी यानी हमारे विगत वर्ष भर के पुराने काल के जो भी सारे अशुभ संकल्प हमारे द्वारा किए गए हैं, उन सभी अशुभ संकल्पों का विसर्जन हो जाए और कुछ नए अच्छे संकल्प हमारे भीतर प्रकट हो जाए, कुछ नए सत संकल्पों का हमारे भीतर जागरण हो जाए। यही इस संवत्सरी महापर्व का संदेश है कि इस संवत्सरी हम अपना इस तरह से शुद्ध भाव प्रतिक्रमण करें, अपने आप के साथ में बैठें, अपने ध्यान साधना में जाएं और अपने पूरे अतीत को याद करें कि हमारे भीतर जो भी जिसके प्रति भी राग और द्वेष की ग्रंथियां पड़ी है, जो भी हमारे भीतर वैर विरोध बनपा हुआ है, जो भी हमारे अंदर किसी के भी साथ मन मुटाव रहा हुआ है, जो भी हमारे भीतर में नाराजगियां पल रही है, शिकायतें चल रही है, अपेक्षाएं बहुत बनी हुई है, उन सभी को मैं अपने आप के भीतर से निकाल देता हूँ और सभी जीवों को, संबंधित जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ और उन्हें भी क्षमा कर देता हूँ, उन्हें मुक्त कर देता हूँ। किससे मुक्त कर देता हूँ? अपनी नाराजगियों से, अपनी शिकायतों से, अपने वैर विरोध से, अपने राग द्वेष से। ऐसा क्षमा दान करने से हमारे भीतर के वे अशुभ संकल्प दूर हो जाएंगे और तब अगर हमारे भीतर से ये अतीत के सारे बुरे संकल्प निकल कर बाहर हो जाए, यानी विसर्जित हो जाए, अपाणम बोसरामी हो जाए, तो सचमुच यह संवत्सरी हमारे जीवन की एक नई भोर बनेगी। यह संवत्सरी हमारे लिए एक नया सूर्योदय लाएगी और यह संवत्सरी हम सबको अपने अतीत के दोषों से मुक्त कराए। हम सभी अपने अतीत से, अपने पास्ट के बोझे से मुक्त बने और अपने जीवन के चरम मंगल को प्राप्त कर पाएं। यही सदाशा। ओम शांति, ओम शांति।